देश में रोबोटिक्स को लेकर युवाओं में रुचि और सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। तकनीकी तौर में रोबोटिक्स का विषय विद्यार्थियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसके मद्देनजर दो दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई कॉलेजेस की जो टीम है वो भाग ले रही हैं। रोबोटिक्स में इंजीनियर छात्रों का बढ़ता रुझान भारत के रोबोटिक्स फ्यूचर के लिए क्यों ज़रूरी है, स्किल को बढ़ाने और भारत को फ्यूचर रेडी करने के लिए इस कार्यक्रम की क्या भूमिका हो सकती है, इस सब विषय को लेकर आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर के साहा से विशेष बातचीत की है हमारी संवाददाता दीपिका ने। आइए आपको सुनवाते हैं। रोबोकॉन 2024 के ग्रैंड सक्सेस के बारे में बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर के साहा। डीडी रोबोकॉन की जब हम बात करें, एक और नया साल, नई एक्सपेक्टेशंस, नया व्यू, कैसे देखते हैं आप इसको ऑल टुगेदर? डीडी रोबोकॉन का आपको पता ही होगा, इसमें सारे कॉलेज की टीम्स रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते। हम जो चाहते हैं बेसिकली ऐसी कंपटीशन से जो स्टूडेंट लोगों का स्किल सेट बढ़े, और रोबोटिक्स एक काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है, स्टूडेंट को रोबोटिक्स नाम में बहुत फिदा हो जाते हैं ना, तो हम चाहते हैं रोबोटिक्स नाम से उनको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के जितने सारे नॉलेज है वो गदर करके रोबोट बनाए, फिर मैनेजमेंट स्किल सीखे, जैसे मैनेज करे, फाइनेंस मैनेज करे, टेक्नोलॉजी टीम स्पिरिट मैनेज करे। तो वी वांटेड टू मेक इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर। प्रधानमंत्री का भी नारा रहा है कि टेक्नोलॉजी रेडी होनी चाहिए, एआई की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव तरीके से भी। उस विजन को देखते हुए आईआईटी दिल्ली ने अभी तक क्या क्या उनकी तैयारियां रही हैं और क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं डीडी रोबोकॉन को भी सक्सेसफुल बनाने को लेकर, उस विजन को मद्देनजर रखते हुए? हम क्या करते हैं, नया नया टीम को इधर पार्टिसिपेट कराने के लिए हम बूट कैंप्स करते हैं। जैसा आपका अगस्त महीने में इसका नेक्स्ट ईयर की गेम प्लान निकल जाते, फिर हम क्या करते हैं दिसंबर में डेडिकेटेड सिर्फ रोबोकॉन के प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए हम 5 दिन, जैसे लास्ट ईयर 5 दिन का हमने के 10 दिन का किए थे, हम प्रोग्राम किए थे जहाँ पे वेरियस, जैसा हमारे कंट्री का हर तरीके का कॉलेज से आते हैं, हम उनको हार्डवेयर इंजीनियरिंग सिखाते हैं, मतलब मैकेनिकल मशीनिंग कैसी होती है, असम्बली कैसे करनी पड़ती है। खास बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद।